नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य और आज हम सीखेंगे कि आँखों की रोशनी कैसे बरकरार रखी जाए, गर्मियों में आँखों का ध्यान कैसे रखा जाए कि पूरी ज़िंदगी आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर ना हो। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि जिस तरह से आप अपनी आँखों को हमेशा के लिए तरोताज़ा रख सकते हैं। खासकर गर्मियों में आँखें घुटने लगती हैं, जलने लगती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं कई बार, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा धूप में से जब आप आते हैं तब भी आँखें थक जाती हैं। तो क्या हम करें जिससे कि आँखें बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएं? तो मैं आज आपको आई वॉश करना सिखाऊंगा। आई वॉश करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आई वॉश कप है। ये बाज़ार में जहाँ पर योग का सामान मिलता है, जिनसे नेती का सामान मिलता है या नेती पोर्ट मिलते हैं, ऐसे सब दुकानों पर ये आराम से मिल जाता है। हमारी भी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये आई वॉश कप एक छोटा सा कप होता है जिसका आकार आँख की तरह होता है। तो इसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे, थोड़ा सा गुलाब जल 10-15 बूंदे, और इस कप को आधा पानी से भर लेंगे। ठंडा पानी लेना, शीतल सा, फिल्टर किया हुआ। तो आप इसको इस तरह से लेकर के आँख पे लगा लेंगे और जैसे किसी दूरबीन में देखते हैं इस तरह इसमें देखना और कस के दबा लेना। चारों तरफ से पानी बहना नहीं चाहिए। फिर क्या करें, फिर आँख को इस तरह से आप ऊपर कर लेते हैं और बीच में आँख खोल दी। आँख खुली है, आप झपक रहे हैं आँख। आँख का जो पुतली है उसको घुमाना है दाएं बाएं और पीछे आगे। लगभग आप 40 सेकंड तक, 30 से 40 सेकंड तक आप आँखों को इसी तरह ऊपर रख के घुमाते रहें। फिर आप इस तरह से नीचे ला कर के हल्का सा आराम से पहुँच लें। तो ये आई वॉश हो गया। आप जितना मर्जी कर लें, छिट्टे मार लें, लेकिन इतनी देर पानी रुक नहीं सकता, गुलाब जल रुक नहीं सकता आँखों में। तो इसमें स्पेशली हम गुलाब जल डाल के करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है गर्मियों में आँखों को तरोताज़ा बनाने के लिए। फिर आप दूसरी आँख के लिए नया पानी लें, थोड़ा उसमें गुलाब जल मिलाएं। मैंने पहले से ही मिला दिया है 10-15 बूंद। तो इसको दूसरी आँख पर इस तरह से लगा करके आप गर्दन को ऊपर उठा दें, आँखें खोल दें ताकि बीच में आंखें खुली रहे और पानी आंखों को एकदम गुलाब जल सहित सर कर देगा। और आंखें घुमाते रहना, बीच में खोलना बंद करना, 30-40 सेकंड तक ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत ही सुकून मिलेगा आपकी आंखों को, गर्मी से जो जलती हैं आंखें। कई लोगों को घुटन महसूस होती है, जब बीपी बड़ा होता है तब भी आँखें घुटती हैं। आप पूछेंगे ये कौन कर सकता है कौन नहीं, हर कोई कर सकता है, लेकिन जिन लोगों का ऑपरेशन हो गया आँखों का और आँखों में लेंस डला, हालांकि बहुत सारे लोग मोतिया का ऑपरेशन कराते हैं, उन लोगों को मैं मना नहीं करता, लेकिन जिन्होंने लेंस डलवा रखा है, परमानेंट लेंस आँखों में, वो लोग इसे ना करें। और जब आप टेम्प्ररी लेंस भी लगाते हैं, उस लेंस लगाने के बाद ना करें, लेंस उतार के करें, तो बहुत ही आराम मिलेगा। जब मर्जी करिए, सुबह दोपहर शाम रात को आपकी आंखें बहुत एकदम हल्की हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी। तो इसमें जिनको चश्मा लगा हुआ है वो उसमें भी ये बहुत लाभ करता है। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत ज़्यादा नज़र का काम करते हैं उनको भी ये बहुत लाभदायक है। जो लोग आँखों को बस तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तरोताज़ा रखना चाहते हैं, कोई भी इसको कर सकता है बड़े आराम से, आसानी से ये अवेलेबल होता है। आई वॉश कप बोलते हैं इसको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा, आप उस ले सकते हैं। तो ये जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है मैं बता रहा था, वो लोग इसमें थोड़ा सा त्रिफला का रस मिला करके, ये त्रिफला का रस लगभग आधा चम्मच और थोड़ा सा पानी मिला के निशान तक, इससे आधा पौना मिनट आँखों को धोएं रोज़ाना। इधर वाली के लिए अलग, दूसरी वाली के लिए अलग पानी लेना। तो त्रिफला का रस भी बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, मैंने बहुत सारी कंपनियों को आशीर्वाद है जो लोग इसमें बनाती हैं। एक एक्जियोम कंपनी है, वो रस बनाती है,
तो वो त्रिफला का भी रस तैयार करती है। तो मेरा मकसद इन कंपनियों से मुझे कुछ मिलता नहीं है कि मैं आपको बेचने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन लोग पूछते हैं फिर मेरे को बाद में बताना पड़ता है कि यहाँ से मिलेगा वहाँ से मिलेगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एक्ज़ियोम कंपनी त्रिफला का रस बनाती है, जूस बनाती है। त्रिफला ताज़ा जो हरड़ बहेड़ा आंवला है उसका रस निचोड़ के वो बॉटल्स में पैक करते, तो उससे आप आई वॉश कर सकते हैं। कोशिश करें ताज़ा ही लें, प्रिजर्वेटिव वाला ना लें। तो उसके लिए क्या करें, हरड़ बहेड़ा आंवला जो त्रिफला बाज़ार में बना बनाया मिलता है उसका चूर्ण एक गिलास पानी में एक चम्मच भिगो दें। सुबह उसे कपड़े को 6 से 8 तह कर लें, उसमें से छान लें तो पानी बिल्कुल फ़िल्टर हो जाएगा। फ़िल्टर पेपर भी बाज़ार में मिलता है, फ़िल्टर पेपर से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो उस पानी से फिर आप आई वॉश करें तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आपका चश्मा धीरे धीरे उसका नंबर कम होने लगेगा। चाहे नज़र दूर की हो ख़राब या पास की, तो एकदम आपको आराम आएगा। ये आँखों का ध्यान रखने के लिए मैंने आज एक टिप दिया। और भी बहुत सारे टिप्स हैं आँखों का ध्यान रखने के लिए। रात को आप जब सो जाते हैं, सुबह उठे, उठते ही रात का जो सलाइवा है आई वॉश करने के बाद, आप रात का सलाइवा हथेली पे लें और उसको सुरमे की तरह आँखों के अंदर लगा लें। बाहर नहीं लगाना है, अंदर लगाना सुरमे की तरह। और जिन लोगों को डालने में मुश्किल होती है वो ड्रॉपर से उसे सक करके ऐसे दो दो बूंद रात की थूक भी डाल सकते हैं आँखों में, तो उससे भी रोशनी बढ़ती है आँखों की, बहुत ज़बरदस्त रोशनी बढ़ती है। और ये औषधि है। कई लोग करते हैं छी ये आँखों का अंदर थूक डाल दें। हाँ बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है। आपकी थूक में इतनी ताकत है, इतनी औषधियाँ हैं, इतने औषधीय गुण हैं कि आपकी आँखों को 100 साल तक, जब तक आप जियेंगे तब तक आप आँखों पर चश्मा नहीं आने देंगी। ये खास मैंने आज आपको आँखों का ध्यान रखने के टिप्स बताए। नमस्कार।